न्याय का विषय आज के वर्तमान समय में बड़ा ही ज्वलंत विषय बनता जा रहा है। समय के प्रवाह के साथ गाय को समझने की हमारी दृष्टि प्रबल होती जा रही है। गाय की उपयोगिता समय के साथ हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आचार्य नरेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में एक भाव राजीव भाई के प्रति समर्पित रूप से जो कहा कि ये जो पीढ़ियां भारत में तैयार हो रही हैं, इसे आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आज की सभा को मैं बताना चाहूँगा, दो दिन पूर्व हम सभी गवसिद्ध हैं कि कोर ग्रुप की बैठक नए परिसर में हुई, जो कांचीपुरम जिला के कुत्ता ग्राम गांव में निर्मित हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है, जो आने वाले दिनों में एक विश्वविद्यालय का रूप लेगा। वहां यह निर्धारित हो चुका है कि जो भी भारतवर्ष के गवसिद्ध हैं उनके बच्चों के लिए वहां पर 2020 गुड़ी पड़वा के बाद गुरुकुल का कार्य शुरू हो जाएगा, जहाँ आज भारत भर में लगभग 3600 से ज़्यादा गवसिद्धर हैं, उनके बच्चे जो 8 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के हैं, जिसमें पुत्र भी हैं और पुत्रियाँ हैं दोनों के लिए, गुरुकुल का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्य रूप से जो यह गुरुकुल है, वेद के सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इस विषय को लेकर के शुरू हो रहा है। 96 बच्चों के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है और आने वाले दिनों में अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो इसी प्रकार का विश्वविद्यालय गुरुकुल भारत के कम से कम 23 राज्यों में हमें गठित करने की योजना है, जो शायद 2025 तक शुरू हो पाएगा। दूसरा एक विषय आदरणीय दक्षिणामूर्ति जी ने जो रखा गव्यों के बारे में, आपका अनुभव जितनी ऊंचाई पर है, हम सभी गविशुद्धों का अनुभव उतनी ऊंचाई पर नहीं हो सकता, फिर भी जितना हमने गवियों को समझा है, इस आधार पर अगर इसकी व्याख्या की जाए तो इस विश्व या इस पूर्ण ब्रह्म जगत में व्याप्त जो ब्रह्म ऊर्जाएं हैं और उनके जो अनंत स्वरूप हैं, इन्हीं ब्रह्म ऊर्जाओं से या ब्रह्म कणों से बने हुए तरंग और उनके जो असंख्य रूप हैं, इन्हीं तरंगों से बना हुआ आकाशीय तत्व जिनका भी असंख्य रूप है, इन्हीं आकाशीय तत्वों से बना हुआ वायु तत्व जिसका भी असंख्य रूप है, उन्हीं वायु तत्वों से बना हुआ अग्नि जिसका भी असंख्य रूप है, उन्हीं अग्नि तत्वों से निर्मित जल तत्व जिसका भी असंख्य रूप है, और उन्हीं जल तत्वों से बना हुआ भूमि तत्व जिनका भी असंख्य रूप है, सभी को अपने में समाहित करता हुआ जो द्रव्य है, जो वायु के स्वरूप है, जो अग्नि के स्वरूप है, जो आकाश के स्वरूप है, ब्रह्म ऊर्जाओं के स्वरूप है, ये सभी गव्य हैं और इन्हीं को गाय धारण करती है। इसलिए इस पूरे ब्रह्म में जो कुछ भी है सभी का सार
गायें हैं। इसलिए वेद ने स्पष्ट किया कि मैं ही गाय हूं। आज के वर्तमान जगत वर्तमान समय में इसी वेद को हम विज्ञान के रूप में समझते हैं, पढ़ते हैं। उपयोग समय के हिसाब से बदला है और विषय वस्तु तो एक ही है। इसलिए गाय का सानिध्य ब्रह्म का सानिध्य है और गाय से प्राप्त जो कुछ भी है ठोस रूप में, तरल रूप में, गैसीय रूप में या ब्रह्म ऊर्जाओं के रूप में, इसी से ब्रह्मांड और उससे आगे और उससे आगे और उससे आगे जहां तक कुछ है सब इसी से निर्मित है। इसलिए स्पष्ट वेद सूक्तों में कहा शौर भैव्य ही वचन, बिल्कुल यह गाय सूर्य की तरह है जो जीवन पर्यंत देना जानती है जैसे सूर्य देते रहते हैं। सूर्य किसी से लेते नहीं, गाय भी कुछ लेती नहीं, जितना लेती है उससे कई गुना भर दे देती है। इसलिए सूक्तों में भी कहा सर्व काम दूधे देवी सर्व तथा विशेषित पावनिशुर श्रेष्ठी देवी तुभ्यं नमो नमः। तो इस विषय को हम गवि सिद्धों ने समझा है और समझने के बाद प्रकृति ने हमें जितना अनुभव दिया है उस अनुभव के आधार पर इस सृष्टि के संतुलन के लिए हम सभी मिलकर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके आगे एक और विषय है जिस पर मैं आज आपसे बात करना सोच रहा हूँ और वह है ऊर्जा का विषय। सोशल मीडिया में पिछले दिनों एक लेख बहुत चर्चित हुआ कि गाय के गोबर से रॉकेट के ईंधन बन सकते। 2015 में MIT जमशेदपुर ने मुझे निमंत्रित किया था कि गाय में कहां कहां पर ऊर्जा है और किस प्रकार से ऊर्जा उन ऊर्जाओं का हम उपयोग कर सकते हैं, इस पे आप हमारे इंजीनियरों को बताइए। तो मैं यहाँ उद्बोधन के लिए गया था और 2011 से लेकर 2014 तक गाय से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ऊर्जा तत्व, इस पर काम करने का अनुभव हमने वहाँ पर रखा था। चूंकि आज भारत चंद्रयान की ओर बढ़ा और इससे आगे भी योजना है, तो इस रॉकेट के समय में इस बात पर कई लोगों ने लिखा। मैंने भी उस लेख को पढ़ा सोशल मीडिया पर जो MIT के प्रोफेसर ने लिखी थी, लेकिन उसमें जो विषय रखा था मैंने 2015 में उसकी बारीकियों को उन्होंने नहीं रखा। तो मैं चाहता हूं कि उनकी बारीकियों को आपके सामने रखूं ताकि आप सभी भी मिलकर इस क्षेत्र में कुछ काम करें और जो बिल्कुल यह सत्य प्रयोग भारत के त्रेता काल में किया गया था गाय के गवियों से रॉकेट उड़ाने की विधि, उसके ईंधन, इसको हम फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह विषय 2015 में हमने इस प्रकार से काम किया था कि गाय का गोबर या गाय का जो मूत्र है इसमें उत्तम कोटि का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह भविष्य का ईंधन है। जिस दिन पृथ्वी से डीजल और पेट्रोल और ज्वलनशील गैस समाप्त हो जाएंगे उस दिन पूरी दुनिया हाइड्रोजन रूपी ईंधन से चलने वाली है। यह भविष्य का ईंधन है। तो यह भविष्य का ईंधन सबसे शुद्ध रूप में गाय के गोबर में है और थोड़ी मात्रा में गाय के गोमूत्र में है। यह विषय शुरू हुआ था एक
बहुत ही क्रूर निर्णय भारत देश के कुछ मुख्यमंत्रियों ने ली थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश प्रमुख है। वहां के किसानों के खेत नीलगाय नाम की एक प्रजाति की गाय बर्बाद कर देती है, क्योंकि नीलगायों का घर जंगल को उजाड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, जंगलों का विनाश हुआ। ये जंगल नीलगायों का अपना घर है। उनके घर जब उजड़ गए तो नीलगाय बाहर निकली और किसानों के खेत तक पहुंची, किसानों की फसलें बर्बाद हुई, किसानों ने सरकार से कंपनसेशन मांगा। तो दो क्रूर मुख्यमंत्री, एक बिहार के और एक उत्तर प्रदेश के, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के राज्य के किसानों को नीलगायों को मारने के लिए राइफल का लाइसेंस प्रदान किया। इस विषय को जानकर जब मुझे बहुत दुख हुआ तो मैंने सोचा कि नीलगाय के ऊपर कुछ कार्य करना चाहिए। तो मैंने नीलगाय का दूध, क्षीर, गोबर और गोमूत्र मंगवाया और उस पर थोड़ा काम किया। तो हमने पाया कि ये जो हमारी गाय है, बिल्कुल पालतू, जो हमारे घरों में रहती है, गौशालाओं में रहती है, इन गायों का जो गोबर है और नीलगायों का जो गोबर है, इसमें एक विशेष अंतर है। और वो अंतर ये है कि हमारी गाय से 3 गुना ज्यादा हाइड्रोजन नीलगाय की गोबर में है। हमारी गाय के गोबर में शुद्ध हाइड्रोजन है, और यह शुद्ध हाइड्रोजन मात्रा के रूप में अगर देखी जाए तो नीलगाय के गोबर में 3 गुना ज्यादा है। बहुत ज्यादा मात्रा में नीलगाय का गोबर मुझे नहीं मिला था, इसलिए उस पर कोई बड़ा प्रयोग नहीं हो पाया। फिर हमने अपनी गाय के गोबर पर ही प्रयोग करके देखा कि इसमें 70-80% शुद्ध हाइड्रोजन है। इतना शुद्ध कि इतनी शुद्धता कृत्रिम हाइड्रोजन में नहीं हो सकती। और इस हाइड्रोजन रूपी गैस को अगर हम तरल करना चाहें तो इसके तापमान को गिराना पड़ता है, और इसके तापमान को गिराकर अगर -100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाया जाए तो यह हाइड्रोजन तरल अवस्था में बदल जाता है, यानी बिल्कुल डीजल और पेट्रोल की तरह हो जाता है। और अगर इसके तापमान को और नीचे गिरा करके लगभग 230 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले जाया जाए तब यही हाइड्रोजन कपूर की भांति ठोस हो जाता है। और इनमें जो ताप है ये कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो इसी आधार पर 2015 में हमने बताया था MIT के वैज्ञानिकों को कि अगर आप गाय के गोबर से शुद्ध हाइड्रोजन को निकाल लो, और बेहतर है कि नीलगाय की गोबर से अगर आप हाइड्रोजन निकाल लो और उसे आप -2800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेकर के चले जाओ, तो जैसा ताप ईंधन थोरियम से मिलता है लगभग इसके मुकाबले का आपको ताप इसमें से निकल सकता है। तो ये चीजें जब मुझे मिली कुछ शोध में जानकारी, तो इसी विषय को हमने रखा था कि भविष्य में हमें ऐसे प्रयोग करने चाहिए। और जिस यूरेनियम की कमी के कारण हमारा जो है प्रक्षेपण की क्रिया कभी कभी अवरुद्ध हो जाती है या महंगा पड़ता है, इस संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। थोरियम भी हमारे धरती में बहुत है लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, उसकी एक सीमा है। लेकिन गाय के द्वारा प्राप्त गोबर और गौमूत्र, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम गायों की संख्या चाहें तो बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। 1947 का समय था जब हमारे देश में लगभग 34 करोड़ गाय थी। आज हमारे यहाँ गाय की संख्या 2-2.5 करोड़ के आसपास रह गई है। आप ये 1947 से पहले का अगर कालखंड देखें, 16वीं शताब्दी का समय, उस समय हो सकता है कि 100 करोड़ से अधिक गायें रही होगी। उस समय एक एक महाराजाओं के यहाँ 2-2.5 लाख गायों की गौशालाएं हुआ करती थी, ऐसा हमारे इतिहास में वर्णित है। तो बिल्कुल ये कल्पना की जा सकती है कि आज भारत की जितनी जनसंख्या है लगभग 130 करोड़,
इतनी गाय तो बिल्कुल हम रख सकते हैं अपनी धरती पर, और इतनी गाय का गव्य अगर इस भारत देश को मिला तो इसमें से क्या नहीं हो सकता। हम पूरी दुनिया को ईंधन सप्लाई कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को पंचगव्य की औषधियाँ सप्लाई कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को प्राणवायु ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। जितना कुछ हमारे मन में परिकल्पना आती है, इन सभी परिकल्पनाओं को हम साकार कर सकते हैं। तो आज जो समय आया है वो चिकित्सा से और ऊपर उठने का समय आया है कि हम चिकित्सा से ऊपर उठें और गाय के गव्यों का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करें। चिकित्सा को भी अभी आगे उठाना है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया ये सभी संक्रामक रोगों पर काम किया, गाय के जो गव्य हैं इनसे संक्रामक रोगों की चिकित्सा कैसी होती है, और उसी संक्रामक रोगों की चिकित्सा के लिए MD पंचगव्य का कोर्स तैयार हुआ। लेकिन अब समय आया है कि हमें जो है आपातकालीन औषधियों पर भी काम करना पड़ेगा। एक्यूट प्रॉब्लम जितने भी हैं ये बड़ी तेज गति के साथ पूरे दुनिया में जो फैल रही है, तो एक्यूट से संबंधित जो है चिकित्सा के निदान पर भी हमें काम करना है। और इसके साथ साथ भारत देश की जनसंख्या, पूरी दुनिया की जनसंख्या किस प्रकार से निरोगी रहे, आज के वातावरण में जितने भी संसाधन खड़े हो रहे हैं और उन संसाधनों के कारण जो पूरी दुनिया के वातावरण में रेडिएशन घुलता जा रहा है, रेडिएशन का प्रभाव जो बढ़ता जा रहा है, इससे निपटने के हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा ही एक उपयोग अभी हमने पंचगव्य विश्वविद्यालय के परिसर में किया है कि मकान बनाने में गायों का बहुत उपयोग हो सकता है, गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग हो सकता है, और ये उपयोग हमने वहाँ पर करके देखा है। आपको कभी समय मिले और मन हो तो आप पंचगव्य विश्वविद्यालय आप घूमने के लिए आना। वहाँ का पूरा जो भवन है उसमें हमने गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके पूरे भवन को रेडिएशन फ्री कर दिया है। इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो दिनों दिन प्रकृति चिकित्सा से कहीं और लेकर के भी जा रही है कि जिन कारणों से हम चिकित्सा के मकड़जाल में बंध जाते हैं उससे मुक्ति के लिए रास्ता भी गाय निकालती है। कुछ साल पहले आपने पढ़ा ही होगा समाचार पत्रों में कि एक यूरोप की महिला ने गाय के गोबर से कपड़े का निर्माण कर लिया और उसे यूरोप का बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। तो गाय हमें कपड़ा दे सकती है, गाय हमें मकान दे सकती है। मकान में बहुत सारे काम हैं गाय के गव्यों से की जा सकती है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत उत्कृष्ट है। अब समय आया है कि गाय के प्रति आप संपूर्ण दृष्टिकोण रखिए। केवल गाय चिकित्सा करती है इतना ही नहीं, केवल गाय जैविक अनाज फल फूल सब्जियां उगा सकती है इतना ही नहीं, गाय हमें अब कपड़ा भी दे सकती है, मकान भी दे सकती है, रोटी तो सदियों से देती आ रही है। इसमें से सब कुछ निकल सकता है, निकाला जा सकता है। ऐसा प्रयोग उपयोग हम सभी गवसिद्ध भाइयों को करनी चाहिए। इसके आगे एक और विषय है जिस पर थोड़ी संवाद में आपसे करूंगा। 2019 इस वर्ष का महासम्मेलन उड़ीसा की भूमि पर है, भगवान जगन्नाथ की धरती पर है। यह 7वां महासम्मेलन है। इससे पूर्व हमने केरल के कालड़ी में इसका आयोजन किया, उससे पहले कुरुक्षेत्र में किया। इस बार भगवान जगन्नाथ की धरती पर जो 7वां पंचगव्य महासम्मेलन
राजीव भाई की पुण्यतिथि काल भैरव अष्टमी अर्थात इस वर्ष 17, 18 और 19 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय हमने अनाज रखा है। इस वर्ष का जो मुख्य विषय है वह अनाज है और अनाजों में श्रेष्ठ अनाज धान है, जिसको चावल कहते हैं। तो चावल के ऊपर मैं पिछले कई महीनों से इस पर सोच रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ कि हमारे देश में चावल ही एक ऐसा अनाज है जो भगवान को अर्पित किया जाता है। चावल का स्थान भगवान के अर्पण के लिए जितना ऊंचा है उतना कोई भी अनाज नहीं है, ऐसा क्यों? और इनमें से भी अगर भगवान जगन्नाथ जी को लें तब तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि चावल भगवान जगन्नाथ जी को सबसे प्रिय है। वर्ष के 365 दिन और 365 दिन उनको नए चावल का भोग लगता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है और चावल किस प्रकार से हमें निरोगी जीवन दे सकता है, विशेषकर इस कलयुग के समय में, ये इस वर्ष का मुख्य शोध विषय रखा है। आप समय निकालें और 17, 18, 19 नवंबर को भगवान जगन्नाथ की धरती पर आयोजित 7वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में भाग लें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। ये हमारा एक निमंत्रण भी है और आप सभी से एक निवेदन भी है। एक जानकारी विशेषकर गविशिद्धों के लिए आज के संवाद में मैं देना चाहूँगा कि इस वर्ष एक बहुत खतरनाक तरह का वायरस भारत के वायुमंडल में घुला गया है और जिसका असर शायद आने वाले 15 दिन या एक महीने के बाद ये दिखने वाला है या उसी तरह का वायरस है जैसे पिछले कई वर्षों से ड्रग्स कंपनियां उपयोग में लेती है और अपनी दवा की बिक्री बढ़ाती है। अभी तक जितने भी वायरस निकले उन पर हम गविशिद्धों ने जितना भी काम किया लगभग सभी सफल रहे हैं। इस बार भी नवंबर के बाद जब भारत की धरती वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरेगा तब ये वायरस एक्टिव हो जाएंगे और जो हमारा अनुमान है कि इस देश के सारे हॉस्पिटल हाउसफुल हो जाएंगे, लोगों के लिए अस्पताल नहीं मिलने वाला है, शायद ऐसी स्थिति आने वाली है। इसके कुछ नमूने जो है पिछले कई महीनों से अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। आप सभी गविशिद्धों से मैं कहूँगा कि आप निर्भीक होकर आप ऐसे वायरसों से जरूर लड़ें और जितना संभव हो सके लोगों को बचाएं। आप अपने जिला के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, इसमें जो मुख्य रूप से जो औषध है ये कंपोजिशन भी पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक और विषय जोड़ने की बात है कि गौमूत्र में जब तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और अदरक का कंपोजिशन होता है तो ये हमारे शरीर के तापमान को किसी भी अवस्था में 25 डिग्री से ऊपर लेकर के जाता है और जब तक हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री से ऊपर रहेगा दुनिया की कोई भी वायरस हमारे शरीर में एक्टिव नहीं हो सकता है। वायरस के रहने का जो वायुमंडल है वो शरीर में तभी बनता है जब हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाए। तो जैसे ही वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री से नीचे गिरता है हमारे शरीर का भी तापमान कभी कभी 24 घंटे में कभी कोई ऐसा समय आता है जब 25 डिग्री से नीचे गिर जाए तब वायुमंडल में एक्टिव वायरस हमारे शरीर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर का है इसे विकलांग कर देते हैं और जिसके कारण बहुत बड़ा संकट आ जाता है। यदि हम गौमूत्र के साथ तुलसी के पत्ते
काली मिर्च अदरक के कंपोजिशन को नियमित रूप से उस वातावरण में लेते रहें जब तापमान 25 डिग्री से नीचे आ जाए, तब हमारे शरीर का तापमान कभी नहीं गिरता और किसी भी तरह का वायरस हमारे शरीर में जा करके उपद्रव नहीं कर सकता है। इसमें इस बार हमने एक प्रयोग किया है सहजन के पत्ते का, कि यदि इसमें सहजन के पत्ते को मिला दिया जाए, सहजन उसको सेवगा भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, तो उसका जो पत्ता है ये भी बहुत अद्भुत है, इसको अगर आप मिला दें तो आने वाले दिनों में जो बहुत विशेष तरह के वायरस जो छोड़े गए हैं इससे भी मुक्ति मिल जाती है। मुनक्का, तेलुगु में मुनक्काय कहते हैं। तो ये भारत के सभी भूगोल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका प्रयोग आप गौमूत्र के साथ करें, काली मिर्च अदरक और चाहे तो थोड़ी हल्दी भी आप मिला सकते हैं। सभी को मिलाकर अगर आप कंपोजिशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कंपोजिशन, 1 लीटर गौमूत्र या 1 लीटर गौमूत्र अर्क, 1 लीटर वाष्पीकृत गौमूत्र या 1 लीटर ताज़ा गौमूत्र आप ले लें। उसमें 100 ग्राम सहजन के पत्ती को डाल दें, 25 दाना काले मिर्च डाल दें, 25 मध्यम आकार के तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी के पत्ते अगर काले हों तो बहुत ही अच्छा है, हरा रंग हो तो बहुत ही गहरा हरा रंग हो, और 10 ग्राम अदरक मिलाकर के आप उबाल लें। जब यह 700 ml बच जाए तब इसको आप उतार लें, छानकर निचोड़ कर रख लें, और इसे आप प्रिकॉशन के तौर पर 20 ml प्रतिदिन सुबह इसका सेवन करें खाली पेट। यदि किसी को वायरस हो गया है और अगर आपको चिकित्सा करनी है तो 20 ml प्रति 3 घंटे पर आप देते रहें। अगर समस्या अति गंभीर है तो 20 ml प्रति 1 घंटे पर मरीज को देते रहें जब तक कि वह संकट से बाहर नहीं निकलता है। तो ये एक जो संकट आने वाला है उससे लड़ने की एक विधा है। और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो पुराने वैद्य हैं, जानकार हैं, उनके पास भी इस तरह के काफी सूत्र हैं। हमारे बीच मुरलीधर राव जी हैं, इनका भी बहुत गहरा अनुभव है ऐसे विषयों पर। तो समय आने पर मुरलीधर राव जी आप भी गवशुद्धों को जो है इस तरह के कुछ सूक्त आप देते रहें। गाय से ज़्यादा लोग निरोगी हों, लोगों को लाभ मिले, तभी हम गाय का सम्मान बचा सकते हैं। गाय का सम्मान बचा तभी हम गाय को भी बचा सकते हैं। और यदि अगर हम नीति निर्धारकों के भरोसे रह गए, सरकारों के भरोसे रह गए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश की सरकार के पास गाय के प्रति कोई आस्था बची हुई है। केंद्र की सरकार के पास भी कोई गाय को बचाने की आस्था नहीं है, गाय के बचाने पर वोट मांगने की आस्था जरूर है, गाय बचाने की आस्था नहीं है, और नहीं किसी भी प्रदेश सरकार में ये आस्था मुझे दिखती है। अभी एक बहुत ही खतरनाक काम हुआ है हमारे देश में, आप सभी को मैं इससे जागृत कर देना चाहता हूं, विशेषकर गवसिद्धों को। विक्टोरिया को जब पता चला था कि भारत देश की समृद्धि गाय में केंद्रित है, तो उसने गाय को खत्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनवाई थी। और जब ये पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी उसी राज्य में है जिस राज्य में गाय है, जिस राज्य में जितनी ज्यादा गाय की संख्या है उस राज्य में उतने ज्यादा क्रांतिकारी है, यानी क्रांतिकारी व्यक्तित्व उसी राज्य में ज्यादा पैदा हो रहे हैं जहां पर गायों की संख्या ज्यादा है। तो विक्टोरिया ने एक कानून बनवाया था कि पहले नंदी को खत्म करो,
ताकि उन्नत नस्ल की गायें भारत देश में ना हो, और जब गायों की नस्लें खराब हो जाएगी, उनकी उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी, उन्हें दूध देने की क्षमता उनकी जब कम जाएगी, गौमूत्र और गोबर की क्वालिटी जब खराब हो जाएगी, तभी धीरे धीरे भारत के लोगों के मन से गाय की आस्था निकलेगी कि गाय बेकार जीव है। तो उसने नंदियों को मरवाने के लिए एक कानून बनाया था कि सबसे पहले नंदी को मरवा दो, कटवा दो, और जब तक अंग्रेज रहे तब तक अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितनी भी गौ हत्याएं हुई उनमें सबसे ज्यादा नंदियों की हुई, और लगभग लगभग समूल भारत से नंदी समाप्त कर दिए गए। लगभग लगभग उच्च कोटि के नंदी, वेदों में एक सूत्र है कि यदि उच्च कोटि का नंदी हो जिसमें 24 लक्षण हो नंदी होने का, तो ऐसी नंदी का मूत्र ऐसी महिला सूंघ ले जिसे मां बनने का भाग्य नहीं है, तब वह भी गर्भवती हो जाती है, वह भी गर्भ धारण के योग्य हो जाती है, केवल उसका मूत्र सूंघने से। तो ऐसी उत्कृष्ट जो नंदी थे इन सबको अंग्रेजों ने कटवाया, खत्म किया। ये क्रम चलता रहा, अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से देश छोड़कर गए, हमारे देश के कुछ लोगों के हाथों में सत्ता आई, गाय काटने का क्रम और संख्या बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और जो एक काम बचा हुआ था कि गौशालाओं ने जिन नंदियों की सुरक्षा की है, नंदियों की कुछ प्रजातियों की सुरक्षा की है, उसका भी समूल नाश हो जाए, वह इस साल केंद्रीय पशु कल्याण मंत्री ने कर दिया। अब उनका नाम जानते हो, गिरिराज सिंह। उसने वह साहसी काम कर दिया जो अंग्रेज नहीं कर पाए। आज भी इस देश में 100 से ज्यादा गाय की प्रजातियां शुद्ध विशुद्ध रूप में बची हुई हैं, जिनकी तुलना दुनिया का कोई भी नंदी नहीं कर सकता, आज भी बची हुई है। फिर भी इस मूर्खानंद मंत्री ने गाय के बीज को बाहर से मंगवाया, मंगवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और फरमान जारी कर दिया है कि कृत्रिम गर्भधारण कराओ, प्रकृति का दिया हुआ यह नैसर्गिक क्रिया है, इसमें मनुष्य को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। अब जो गायें यहां से ब्राजील गई है, दक्षिण अमेरिका गई है, यूरोप गई है, और उन लोगों ने जो गाय पर एक्सपेरिमेंट किया है, गाय के जीन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो उसके रूप स्वरूप को बदला है, अब वो आएगा हमारे भारत देश में, और सरकारें हमारी प्रमोट करेगी कि ऐसे शुक्र से गाय गर्भधारण करें, यानी जो बची खुची 100 प्रजातियां जो बची है वो उनका भी समूल नष्ट हो जाए इस देश में। ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसे ऐसे कुकर्म जब इस देश का केंद्रीय मंत्री करे तो हमें अपनी सरकारों पर कैसे भरोसा होगा। और इसलिए मैं सभी गविशुद्धों को कहता हूं कि गाय के मूल वंश को बचाने का काम अपने कंधों पर करो, इन मूर्खानंद सरकारों पर मत करो। ग्यारह से लेकर के आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट गाय के गवियों पर हुए, यह स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं जो गाय के गव्यों से सुलझ नहीं सकता। प्रतिवर्ष महासम्मेलन में गविषित अंक हम प्रकाशित करते हैं, हम सभी के द्वारा किए गए काम को उसमें प्रकाशित किया जाता है, सरकार की सारी गुप्तचर एजेंसियां उसको लेकर के जाती है, सरकार के पास देती है। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।
सरकार के पास हम पहुंचाते हैं प्रतिवर्ष हम लोग मिलकर, गाय के गभियों से इतना कुछ हुआ है काम। इसके बावजूद भी अगर सरकार गायों के कृत्रिम गर्भधारण को रोकना तो दूर, उसे पूरी ताकत के साथ अगर प्रमोट करती है तो निश्चित रूप से हमें सरकारों के खिलाफ इस विषय को लेकर के खड़े होने की जरूरत है। और इसीलिए इस वर्ष जगन्नाथपुरी के पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में इस विषय को हमने जो है मुख्य विषय माना है और पूरी ताकत के साथ सरकार के समक्ष इसका हमें विरोध प्रदर्शन करना है कि भारत की जो बची खुची 100 प्रजातियां हैं इनके मूल जिन को बचाया जाए, इनके मूल प्रकृति को बचाया जाए। यह केवल दूध का विषय नहीं है, अभी भी और अभी तक हमारे देश की सरकारें गाय को केवल दूध का विषय मानती है। इसलिए गाय का दूध कैसे बढ़ सकता है इस पर उनकी पूरी ताकत लगती है कि गाय का दूध बढ़ा दो। सभी गविशुद्धर जानते हैं कि गाय का दूध क्षीर तो बोनस है, मूल तो गोमूत्र है, जिससे पूरी धरती का वातावरण बच सकता है, मौसम बच सकता है, मिट्टी बच सकती है, वायु बच सकता है, जल बच सकता है, आकाश बच सकता है, विश्व की ब्रह्म ऊर्जाएं बच सकती है, सूर्य का प्रकाश बच सकता है, और वो गोमूत्र है। गाय का मूल विषय गोमूत्र का है, लेकिन हमारे देश की सरकारें गोमूत्र पर बिल्कुल काम नहीं करती। दूध बढ़ा दो, अगर गाय का जिन बदल जाए तो भी उसका दूध बढ़ा दो। ये गाय का दूध बढ़ाने के लिए चाहो तो जिन भी बदल दो। तो ये हॉलस्टीन फ्रीजियन क्रॉस जर्सी, जो ये पिग ब्रिड काऊ जिसको यूरोप में कहा जाता है, शुअर से संकरित काऊ, उनके शुक्र का यहाँ पर वो प्रमोशन करती है। भारत देश के लोगों ने गाय की जितनी हत्याएं की है, कहीं इससे ज्यादा गाय की हत्याएं सरकारों ने कृत्रिम गर्भधान करा करके कराया है। गायों के जिन जाति को बिल्कुल बदल दिया है। आप एक दो नहीं 10 जनरेशन तक भी अगर आप जो है इसका शुद्धिकरण करें तो हमारा जो शोध है वो कहता है कि ये बिल्कुल 10 नहीं 25वीं जनरेशन में भी फिर से गाय बदल करके नहीं आ सकती है। एक बार इसका जिन खराब हुआ, एक बार ये जेनेटिक चेंज हुआ तो वापस बिल्कुल नहीं आती। इसके शरीर में जो सूर्य केतु नाड़ी है वो एक बार लुप्त हुआ तो ये दोबारा निर्मित नहीं होता। और इसी विषय को यूरोप और अमेरिका अभी तक समझ नहीं पाया, इसलिए भारतीय गाय को ले जाकर अपने यहां उनका जेनेटिक चेंज करके वो दूध बढ़ा रहे हैं। गाय छोटी कद की हो या बड़ी कद की, अगर वो भारतीय नस्ल की गाय है तो उसके शरीर का सूर्य केतु नाड़ी, सूर्य से चलने वाली 7 दृश्य किरणें और 2 अदृश्य किरणें, इन 9 को समुचित रूप से अपने शरीर में सोखती है। आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, वहां बिल्कुल एक छोटी प्रजाति की गाय होती है, 3 फीट की गाय होती है, उसको 9 मुट्ठी बोलते हैं। आप अपनी 9 मुट्ठी जोड़ लो, 9 मुट्ठी से जितनी ऊंचाई होगी उतनी ऊंची गाय होती है, इसलिए उसका नाम है 9 मुट्ठी हिमाचल प्रदेश की। केरल की भी उससे भी एक छोटी प्रजाति है, केरल में बिल्कुल बकरी से भी थोड़ी छोटी सी प्रजाति की गाय। चाहे तो आप इस गाय को ले लो, या आप अपने प्रदेश की ओंगल को ले लो जिसका कद बहुत बड़ा है, या फिर गीर को ले लो आप, कांकरेज को ले लो आप, साहिवाल को ले लो आप, लाल सिंधी को ले लो आप, जिनका कद बहुत बड़ा है। और सबसे लंबा कद जो है वो उड़ीसा की है एक प्रजाति, उसकी कोई भी ले लो आप, सभी गायों के अंदर जो व्याप्त है सूर्य केतु नाड़ी, वो समुचित रूप से सूर्य की 9 किरणों को धारण करती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। और धारण करने के बाद इसको अपने गव्यों की मदद से बाहर निकालती है। अगर कोई ज्यादा दूध देने वाली गाय है तो उसी अनुपात में निकलेगा, अगर कम दूध देने वाली है तो ऊर्जा का अनुपात वही होगा, यानी क्वांटिटी बढ़ सकता है, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता।
अगर वो ज्यादा मूत्र करने वाली है तो मूत्र से ऊर्जाओं का विसर्जन करेगी, दूध देने वाली ज्यादा है तो दूध से विसर्जन करेगी, अगर दूध कम देती है मूत्र ज्यादा देती है तो मूत्र से उन ऊर्जाओं का विसर्जन ज्यादा होगा। लेकिन कोई भी प्रजाति भारत की हो, छोटी या बड़ी, सभी प्रजातियां बराबर शम रूप में सूर्य की ऊर्जाओं को रूपांतरित कर उसको द्रव्य में बदल करके विसर्जित करती है। इसलिए भारत की कोई प्रजाति हो, छोटी बड़ी लंबी नाटी कोई भी प्रजाति हो, सभी प्रजाति की गाय हमारे लिए मुख्य विषय है। वहां वहां के भूगोल के हिसाब से, वहां वहां की जलवायु के हिसाब से उसका महत्व उतना ही है जितना किसी ऊंचे डील डॉल साइज की गाय की। गुजरात की कांकरेज का जितना महत्व है, गुजरात के गिरनार की गाय का जितना महत्व है, बिल्कुल उतना ही महत्व छोटे कद की गाय का भी वहां के भूगोल में है। इसलिए भारत की जितनी भी गायें हैं भूगोल के हिसाब से, 1947 के पहले तक के जो दस्तावेज हैं बताते हैं 360 से ज्यादा प्रजाति की गायें थी भारत में। आज जो हमारा सर्वेक्षण कहता है कि लगभग 100 प्रजाति की गायें बची है पूरे देश में, तो ये सभी 100 प्रजाति की गायें महत्वपूर्ण है अपने अपने भूगोल के हिसाब से। लेकिन सरकारें जो दूध ज्यादा देने वाली है उन गायों को प्रमोट कर रही है और शेष गायों को मरने के लिए छोड़ रही है, उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, या जो बड़ी गायें हैं उनमें कुछ जेनेटिक चेंज करके उनका विदेशी सीमन से जो है कृत्रिम गर्भधारण करके और दूध बढ़ाने पर केवल काम हो रहा है, लेकिन यह भी जो है झूठ है। वास्तव में दूध बढ़ता नहीं उससे, क्षणिक कुछ एक दो साल के लिए उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, लेकिन मूलतः जब आप एक गणितज्ञ होकर के आप अगर इसमें से इसका गणित निकालोगे तो बिल्कुल ये सरकार का ये क्लेम भी झूठ है, झूठा होता है। क्योंकि गाय अगर नैसर्गिक रूप से रहे तो नैसर्गिक रूप से गाय लगभग जो है 23 साल जीवन जीती है आज भी, 21 से 23 साल उसका एवरेज है जीवन। उसका बचपन 3 साल अगर आप घटा दो और 2 साल का बुढ़ापा घटा दो, 5 अगर घटा दो, तब भी वो लगभग 17-18 साल तक जो है माँ बनती है और प्रति वर्ष माँ बनती है। 9 महीने का गर्भ होता है, 9 महीने के बाद वो बच्चा देती है, 3 या 4 महीने के बाद फिर वो गर्भधारण कर लेती है। गर्भधारण करते हुए भी लगभग 5 महीने तक वो दूध देने की स्थिति में रहती है। तो इस प्रकार से औसतन भारत में एक गाय जो नैसर्गिक जीवन जी रही है वो कम से कम 15 या 16 बार माँ बनती है, यानी 15 से 16 वर्ष तक दूध देती है। यही आप कृत्रिम गर्भधारण करने वाली गायों की स्थिति देख लो, या गाय के नाम पर जो सरकारें होलिस्टियन फ्रीजियन क्रॉस को जो प्रमोट कर रही है पिग ब्रीड काउ को, उनका जीवन अधिक से अधिक 7 साल का होता है। उनका भी 2 साल का बचपन और 2 साल का बुढ़ापा अगर घटा दो तो मुश्किल से 4 साल से ज्यादा वो दूध नहीं देती। तो 4 साल के दूध का गणित आप लगा लो और यहां पर 16 से 17 साल के दूध का गणित लगा लो, तब भी हमारी ये गायें जिन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ, इनके संवर्धन का कोई भी उपाय इस देश में नहीं हुआ, वो गायें भी आज इनसे ज्यादा दूध दे रही है, लंबे समय तक दूध देती है। और निश्चित रूप से जब वो 17 बार अगर बच्चे बन देगी तो 17 बच्चों का भी लाभ हमें मिलेगा। 17 में भी अगर आप नैसर्गिक रूप से अगर छोड़ दो आप, तो 17 बार या 16 बार अगर वो माँ बनती है तो 8 बार तो वो बछड़ी देगी और 8 बार वो बछड़ा देगा। आप बछड़े से कोई काम नहीं ले सकते, लेकिन 8 बछड़ियां तो आपके काम की है, 8 बछड़े भी काम के हैं, लेकिन कुछ चूक हुई है हमसे, उसके कारण हम बछड़ों से काम नहीं ले पा रहे। तो कम से कम 8 बछड़ी तो देगी। होलिस्टियन फ्रीजियन जो है उसके ऊपर हमारे मूर्खानंद मंत्री का जो क्लेम है कि इससे केवल हम बछड़ी पैदा करेंगे, वो विदेश से एक शिमल लेकर के आ रहे हैं जिसका कहते हैं कि कृत्रिम गर्भधारण कर दो तो गाय केवल आपको बछड़ी देगी, बछड़ा नहीं देगा। तो प्रकृति का जो ये गर्भधारण का जो खेल है इसमें हस्तक्षेप मुझे तो बहुत ही अनैतिक लगता है। और पता नहीं इस देश का क्या भाग्य है कि ऐसे ऐसे मूर्खों को मंत्री का पद दे दिया जाता है। तो इस बार का जो हमारा सम्मेलन है उसमें हम
बहुत ताकत के साथ जो है इसका विरोध करने जा रहे हैं कि ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति का नियम है, इसमें आप हस्तक्षेप ना करो। और यदि आपको लगता है कि आज के परिवेश में हमारी गायें केवल बछड़ी दे, बछड़ा ना दे, तब भी इसका नैसर्गिक तरीका है हमारे देश में। जिन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, शुक्ल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में गर्भधान का नियम है हमारे आयुर्वेद में, उसका आप प्रयोग कीजिए, लगभग 80% सफल प्रयोग होता है। लेकिन चूंकि विदेशों से श्रीमन आएगा, कृत्रिम गर्भधान आएगा, तो यहाँ के अधिकारियों और मंत्रियों को जो है पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना गौपालकों से बात किए हुए, यहाँ हमारे देश में ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ 25,000-30,000 से ज्यादा गायें हैं। उन गौशालाओं में बहुत अनुभवशाली गौपालक हैं, इनके साथ बिना बैठक किए हुए, बिना विषय को समझे हुए हमारे मंत्री ने 800 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया। ऐसा ही होता रहा तो शायद आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश की जो सबसे उन्नत नस्ल मानी जाती है ओंगल, शायद वो नहीं बचेगी। गुजरात की उन्नत नस्ल जो गीर है, कांकरेज है, थारपारकर है, राजस्थान की, इसका मूल स्वरूप भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा गविशिद्ध परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि सरकार के ऐसे निर्णयों का सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष रूप से पत्र लिख करके भरपूर इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि तुम मुझे जितनी भी गालियां बकनी है बक लो, जितना बोलना है बोल लो, जितना बेइज्जत करना है कर लो सोशल मीडिया पे, मैंने ठान लिया है करूंगा तो करूंगा। ऐसा बदमिजाज मंत्री, मुझे नहीं लगता कि इस 70 साल के काले अंग्रेजों के इतिहास में मैंने कभी पढ़ा और सुना है। इसलिए अब तो बिल्कुल पूर्णतः विश्वास हो गया है कि मूल गाय की प्रजातियों की रक्षा सरकारें नहीं कर सकती, गविशिद्धर ही कर सकते हैं। आप अपने घरों में आपने जो छोटी छोटी गौशालाएं बनाई है उसमें आप मूल प्रजातियों को स्थान देना शुरू करो और कभी भी सरकार के झांसे में नहीं आना। शायद जब सरकार को यह समझ में आ जाए कि गाय केवल दूध के लिए नहीं है, और उस समय जब मूल प्रजातियां नहीं रहेगी तो शायद हम गविशिद्धर ही सरकार को मूल प्रजातियां दे पाएंगे, क्योंकि हमने गाय के दूध को कम और मूत्र को ज्यादा समझा है। इसलिए हमारे पास मूत्र से काम करने का तरीका ज्यादा है, गोबर से काम करने का तरीका ज्यादा है। खीर तो उसके बछड़े का है और उससे जो बच गया थोड़ा वो हमारे लिए है। तो इस विषय को अगर गंभीरता पूर्वक लो तो मुझे लगता है भविष्य में हम उन प्रजातियों को कम से कम बचा सकेंगे जो अभी बची हुई है, और इनको देखो बचाना बहुत ही जरूरी है। जो शूत्र आपके गविशिद्ध के लोगों पर है, तजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति नावीरो जायते वर्षा, स्पष्ट अथर्ववेद कहते हैं कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में नंदी नहीं रहेगी तो वो वीर पुरुष पैदा कहां से कर लोगे। और सरकारें नंदियों को खत्म करने पर तुल गई है। इसलिए जब असहनीय पीड़ा होती है तो सरकार को खर्री खोटी सुनाकर अपनी भड़ास तो निकालनी ही पड़ती है। शायद इससे कहीं मंत्रियों को अक्कल आ जाए। वेदों में जो सूक्त है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार उनका परीक्षण हो चुका है, वो बिल्कुल खरी है।
अगर हम में और हमारी सरकारों में उन सूक्तों के परीक्षण की ताकत नहीं है तो उन्हें सिरे से नहीं नकारना चाहिए। उन सूत्रों का पुनर्परीक्षण होना चाहिए, लेकिन पुनर्परीक्षण करने की आपकी ताकत यदि नहीं है तो उसे नकारो मत कम से कम। गावो शमस्य प्रथमस्य भक्ष स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद कि गाय से प्राप्त जो कुछ भी द्रव्य है वो सारा द्रव्य सोम की तरह है, चंद्रमा की तरह है। जैसा चंद्रमा वैसा गाय के सारे द्रव्य, क्षीर हो, गोमय हो या गोमूत्र हो, ये सभी बिल्कुल सोम की तरह है, चंद्रमा की तरह है। सरल है, सुंदर है, कोमल है, मधुर है। चंद्रमा की जितनी उपमाएं हैं ये सारी उपमाएं गाय के गव्यों के लिए है। गाय के गव्य वैसे ही हैं, इसलिए स्पष्ट करते हैं प्रथमस्य भक्ष। जब मां के गर्भ से कोई बच्चा निकलता है, कोई शिशु जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसको उसके मां के दूध के पहले पिला दो। प्रथमस्य भक्ष मनुष्य जब धरती पर पांव रखता है उस समय भक्ष करने योग्य है। इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है, इससे स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है। जिस गाय का गौमूत्र उस बच्चे को पिलाने योग्य है जिसने अभी तक अपनी मां का दूध नहीं पिया है। हमारी गैया के गोबर का रस उस बच्चे को पिलाने योग्य है जिसने अभी अपनी मां के दूध का पान नहीं किया है। मुझे नहीं लगता दुनिया में इतना सरल कुछ और हो सकता है। हमारे वेद जब इतना स्पष्ट कर देते हैं कि गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, क्षीर, घी, दूध, दही, मक्खन सब इतना सरल है, इतना सरल है कि वह अपनी मां के दूध के पहले पी सकता है, तो बताओ इसमें संशय क्या है। और ये बात तो मैं बिल्कुल पढ़ करके नहीं कह रहा हूं आपको, हजारों बच्चों पर इसका एप्लीकेशन कर उसका रिजल्ट जानने के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हजार से ज्यादा ऐसा बच्चे हैं अभी जिनको जन्म लेने के साथ ही उनको गोबर का रस, गोमूत्र, दूध, क्षीर, घी पिलाया है और उसके बाद मां का दूध पीने दिया है। आज इन बच्चों की तुलना सामान्य बच्चों से नहीं कर सकते, इतने प्रवीण हैं, इतने बलिष्ठ हैं, इतने साहसी हैं बच्चे। इसके बावजूद भी सरकार गाय के मूल नस्लों को बचाने की दिशा में कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा नस्लों को खराब करने में पूरी ताकत झोंक रखी है। इसलिए जितना यथासंभव हो सके गविशुद्धों को अपना विरोध सरकार के प्रति प्रकट करना चाहिए ताकि देर सवेर सरकार की बुद्धि बदल जाए और गाय की मूल प्रजातियों को बचाने की दिशा में वे काम करना शुरू कर दें। तो इसी दुख भरी एक चिंता समाचार के साथ आज के प्रबोधन को मैं यहीं विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय गाय के उत्थान के लिए, प्रकृति के लिए, भारत राष्ट्र के लिए दिया है। इसके लिए आप सभी का, मंच पे आसीन सभी अतिथियों का साधुवाद मैं करता हूँ। हरिओम। मरिन्नी अपडेट्स कोसम STV YouTube चैनल सब्सक्राइब चेसुकोंडी।